समझ दोस्त है। हाँ साहब, बाजी जल्दी खत्म कीजिए, अफसरुद्दौला के यहाँ मुशायरे में चलना है। मैंने कहा अजीज मियाँ, अफसरुद्दौला बहादुर को तो शहनशाह जहांगीर ने मुहिम पर भेजा था, ये उनके यहाँ मुशायरा कैसा है? मुशायरा उनकी साहबजादी मेहरबानो हिजाब ने किया है। अच्छा भाई वाह, आज शहरी में साहिबजादी का जवाब ही नहीं, और क्या मलिका या नूरजहां बेगम ने साहिबजादी का कलाम सुन के जानती हूँ क्या फरमाया? क्या फरमाया? फरमाने लगी सिर्फ बच्ची तो शायरा भी है और शेर भी। अमां ये गुल मिर्जा कौन शायर आया है ईरान से जिसने साहबजादी आलम की गजलों का जवाब दिया है? अजी बहुत देखे हैं गुल मिर्जा, साहबजादी की गजलों का क्या जवाब देगा? चलो आज मुशायरे में हकीकत खुल जाएगी। हाँ और क्या, मुकाबले का मुशायरा है। भाई दरोगा साहब। हाजिर उस्ताद मोहतरम। गुलमिर्ज़ा साहब अभी तक नहीं है। वादा तो किया था कि जरूर आऊंगा, देख के ही मालूम नहीं। ये लीजिए वो आ गए। आइए आइए गुलमिर्ज़ा साहब, खुश आमदी। तशरीफ रखिए। शोराय किराम और हाजरी ने बस तशरीफ रखी। साहबजादी आलम फरमाती है कि आप सब साहब बैठ जाए। मिर्जा साहब, साहबजादी आलम ने बैठ जाने का हुक्म फरमाया। यही है गुल मिर्जा, माशाल्लाह। मैंने कहा गुल मिर्जा साहब, क्या कहां को गए थे? इबला एक शेर मौजू कर रहा था। अल्लाह ये अर्ज है, पर्दे में हैं और आपके अफसाने हैं आम, क्या तमाशा है कि जाहिर भी है पिनहा भी है। हमने भी इसी जमीन में एक शेर कहा। शेर है मेहरबानो तो है नाम और तखल्लुस है हिजाब, हम आया भी हैं चरागे सहे दामा भी। हाँ ये हुआ ना जवाब, माशाल्लाह। उस्ताद मुहतरम हजरत आरिफ शिराजी, हमारी तरफ से सब हजरात का शुक्रिया अदा करें और मुशायरा शुरू करने का ऐलान करें। शोराए कराम, आप इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शायरा साहबजादी आलम मेहरबानो हिजाब बिन्त अमीरुल उमरा अफसरुद्दौला बहादुर की दावत पर यहाँ तशरीफ लाए हैं, जिसके लिए साहबजादी आलम आप हजरात का शुक्रिया अदा फरमाती हूँ। अब मैं मुशायरा शुरू करने का ऐलान करता हूँ। आज का मुशायरा फिलबदी होगा, यानी इसी वक्त आपको फौरन तबाह आजमाई करना होगी। मौजू मुहर्रर फरमाइए। साहबजादी आलम क्या फरमाती हैं? मौजू मुकर्रर करने का इख्तियार बेहतर है। मैं आज के मुशायरे का मौजू शमो परवाना करार देता हूं। अंदलीब शायरी हजरत खयाबानी इस्फहानी। टूटी ये सुखन हजरत शायदा अकबर आबादी। ईरान के जवां साल शायर हजरत गुल मिर्जा गुल। मैं साहबजादे आलम की शोहरत सुनकर इस मुशायरे में आया हूँ और चाहता हूँ कि साहबजादी मेरे अशार का जवाब दें। गुल मिर्जा, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है।
बहुत खूब। सर महफिल जो जला परवाना, सर महफिल जो जला परवाना, चलने
तुम्हारा जवाब नहीं, मुझे नाज था कि मेरी शागिर्द साहिबजादी आलम के सामने कोई जबान नहीं खोल सकता, लेकिन हक बात यह है कि आज का मुशायरा तुम्हारे हाथ में, आपकी मोहब्बत है। खूब कहते हो गुलमिर्ज़ा, जरा नवाजी। उस्ताद मुहतरम, इस जवान साल शायर को हमारी तरफ से 1000 रुपया फलक और कलमदान जवाहिर निगाह दिया गया। दोहर शनासी का शुक्रिया। आइंदा तुम जो कुछ भी नज़्म करो हमें जरूर सुनाओ, तुम्हारे लिए हमारे महल के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। जर्रा चमक उठा कर मैं आस्ताद से, साहबजादी आलम फरमाते हैं तखलिया के मुआफ। साहबजादी आलम क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। सरकार बड़ी बड़ी किताबें पढ़ती है, लेकिन समीज ने तमाम उम्र में सिर्फ एक ही किताब पढ़ी है, और वो है सरकार का चेहरा मुबारक। खिदमत गुजार वही है जो मालिक का मुंह देखकर दिल की बात समझ जाए। अल्लाह बता दीजिए ना मेरी साहबजादी, क्या सोच रही हैं आप? आज नमाज के बाद हमने खुदा से कुछ मांगा है, फिक्र यही है कि दुआ कबूल होती है या नहीं। आमीन आमीन आमीन। दुआ कबूल हुई? मेरे सर तो नहीं फिर गया। शहजादी आलम, मैंने आंखें बंद करके लोहे तकदीर देख ली है, जिस पर कुछ नए सुनहरे हरफ उभरे हुए हैं। कैसे हैं बता दो। बदतमीज, गुस्ताख। गुस्ताखी जरूर है साहबजादी आलम, लेकिन इतनी हसीन गुस्ताखी है जिस पर इनाम मिलना चाहिए। इनाम? नजर हो गई अम्मी? हाँ बेटा, जरा सी शीरनी चख ले। अच्छा लाई, अपने हाथ से मेरा मुंह मीठा कर। अभी तक तेरा बचपना नहीं है। अच्छा ले, परवरदिगार ने ये दिन दिखाया कि तेरी कमाई घर में आ जाए। आपकी दुआएं चाहिए अम्मी, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। खुदा तेरे हौसलों को बुलंद करे बेटा, आज तेरे बाद जिंदा होते तो कितना खुश होते। वो नहीं है तुझे, मैंने उनकी तलवार रख ली। ये तलवार देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि जैसे वो खुद हमारी खुशी में शरीक। अब्बा जान मरहूम के ख्वाब मेरे सामने हैं, और वही मेरे जिंदगी का मकसद। बेटा, तेरे बाप खुदा बख्शे एक नामवर अहले कलम और बहादुर सिपाही थे। वो तमाम उम्र तुझे अपने ही ऐसा बनाने की कोशिश करते रहे। कलम के मैदान में तूने उनका नाम रोशन कर दिया, लेकिन अभी उनकी तलवार का कब्जा तेरे हाथ का इंतजार कर रहा। खुदा आपकी ये तमन्ना भी जल्द पूरी करेगा। जिंदा बाशी मेरे लाल, खुदा तुझे परवान करे। क्या है सरोज? हिंदुस्तान का एक फूल फूल बेचता है। फूल फूल बेचता बोले हिंदी गुल फरोशी नहीं पूरा। मिया मिया, तुम मुझे जानते हो? हेलो, तुमका कौन है जानत है? हमारी सरकार से खिल्लत मिला है तुमको? तुम साहबजादी आलम के यहाँ? मैं उनकी मालिक हूँ। ये फूल बेचती हो तुम? बेचो तो रही, बस तुम्हारे हाथ में बिक रहा। क्यों? तुम ऐसे ले लो। अच्छा तो हम जाते जाती कहाँ? तुम्हारा नाम क्या है? बिंदिया।
कैसी कहाँ? साहबजादी के बाग में। बाग में? गिंदिया, तुम्हारा एक काम करोगी तुम? बोलो। हमें एक नजर साहबजादी आलम को दिखा दो। गिंदिया, खबरदार, अब ऐसी बात जुबान से ना निकलियो। ऐसा ना कहो गिंदिया, तुम मेरा इतना सा काम कर दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान मानूंगा। बोलो। अभी हम कुछ नहीं कहा था, सोच के बताए। अब हम जाते हैं। अरे गिंदिया, जल्दी बता क्या हुआ? भला गिंदिया का सिर गए थे नमाज बख्शाएगा, सिर पड़ गया रोज। अपने ही हाथ की है, कुछ बताएगी जी? हाँ मिले, क्या कहा उन्होंने? कहीं का कहे थे कोई जतन से साहबजादी का दिखाई दे। क्या कहा? साहबजादी को देखना चाहते हैं। हाँ और भेजा बिल मिल जाएंगे। अब भेजो। अच्छा सुन, कल रात को सभी माँ का जश्न है, तो चुपके से बुला लाऊ। गजब भूल गई। अरे मरी क्यों जाती है? छुपाने की तरकीब मैं बता दूंगी। मैंने कहा रेहाना, ये आजकल दुनिया से बड़ी खुशर फुसर हो रही है। कैसे खुशर फुसर? मैं सब देख रही हूँ। यहाँ तो ताल बजू और राज भूजा। सच बताओ क्या बात है तुम्हारा सर? कोई बात नहीं है। नहीं तो तुम्हारे चेहरे का रंग चूर गया। परवीन तुम्हें आते जी बुलाती हूँ। कल रात को चोर दरवाजे से।
सब इस परी दोषे का। मैं चला भी यहाँ से। मैं नहीं जाता। मुझे एक नजर शहजादी आलम को दिखा दे। हाँ? देख अपने से महल में हलचल मची है। चलो तुम का चोर दरवाजे से निकाल दे। मेरी हसरत दीदार न निकली। कल रात को जो चोर आया था ना, कल ये तो बता दूं वो कौन था। तुझे कैसे मालूम थी? ऐ सरकार, इसे क्यों ना मालूम होगा? वो मुआ टका तो इसी का था। परवीन, तू हमेशा जली कसी बातें करती है। ये बहुत बुरी बात। सरकार ये नहीं जलेगी तो और कौन जलेगा? सदा मेरा और लट्टू हो गया इस पर। देखिए सरकार, मना कर दीजिए इसे, नहीं तो मैं भी एक एक ही दफ्तर सुनाऊंगी। रिहाना, सबको छुट्टियों में उड़ाती है। आपको जी, मैं तो इसलिए कह रही थी कि कहीं आज वो चोर फिर ना आ जाए। सरकार, गुलमिर्ज़ा साहब अपने नए कलाम के साथ तकलीफ ना। गुलमिर्ज़ा, आहा, मजा आ गया। आइए गुलमिर्ज़ा साहब, तशरीफ़ रखिए। जी, मेरा नाम रिहाना है। मैं शहजादी आलम की ख्वास हूँ। बैठ जाइए ना। या। खूब कहते हैं आप, क्या कहना? इज्जत अफजाई। किसी से मोहब्बत जरूर की है आपने? आपको कैसे मालूम? अजी जनाब, टालने वाले कयामत की नजर रखते हैं आप। और सच बात तो ये है कि अगर आपने मोहब्बत नहीं की तो आप शायर भी नहीं। जिसके दिल पर बीती न, वो दिल की भी बयान करेगा। आपका ख्याल गलत, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं। अजीब बात है, जबान कुछ कह रही है और आंखें कुछ कहती हैं। समझ में नहीं आता कि किसकी बात मानी जाए। कह दिया आपका ख्याल गलत। हाय हाय, ये कमबख्त मोहब्बत झूठ बोलना भी सिखा देती है। बस यही बात बहुत बुरी है इसमें। दिल बेजबान है और जबान के पास दिल नहीं। समझ में नहीं आता कि साहबजादी आलम के करम का शुक्रिया किस तरह अदा हो। ये जिक्र जाने दो दिल में से। हमें सुनाने के लिए क्या लाया? नाकाम मुसलसल अश्कों की तस्बीह बनाकर लाया हूँ। चल अपने दिल के टुकड़ों को कागज से सजा कर लाया हूँ। नाकाम अश्क और दिल के टुकड़े बड़े दिलकश होते हैं शायद। जी हाँ, बशर्ते कि वो महबूब के सामने पेश हो सके। मोहब्बत ने ये फैसला क्यों कर दिया कि चाहने वाला कौन है और चाहता कौन है? खुदा को जब मोहब्बत की पाकीज़ा इबादत कराना होती है तो वो एक ही रूह के दो हिस्से करके दो मुख्तलिफ किस्मों में रख देता है। रूह के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, बेफरार होते हैं। इसी तड़प का नाम मोहब्बत है। ये तड़प उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक मौत रूह के इन दोनों हिस्सों को जिसम की कैद से आजाद करती। फिर एक नज़्म। सुभान अल्लाह, यही मेरी आज की नज़्म का मौजू है। हम तुम्हारी नज़्म सुनने से मुश्ताक। बहुत खूब। मेरी नज़्म का उनवान है खुदा से शिकायत। दो हिस्सों में बटी हुई रूह का एक हिस्सा शायर के जिस्म में है। शायर जो मोहब्बत की तड़प लिए हुए अपनी रूह के दूसरे हिस्से से मिलने के लिए बेचैन है। तेरी कुदरत, तेरी तदबीर, मुझे क्या मालूम। बनती होगी कहीं तकदीर,
मुझे क्या मालूम, ओ तूने मेरा यार ना मिलाया, मैं क्या जानू तेरी ये खुदाई, ओ तूने मेरा यार ना मिलाया, मैं क्या जानू तेरी ये खुदाई, तूने मेरा यार, तूने मेरा यार, तूने मेरा यार न मिलाया, मैं क्या जानू तेरी ये खुदाई। मैं देश देश फिरा, कुछ निशान नहीं मिलता तेरी जमीन पे, मेरा कारवां नहीं मिलता, जहां मैं आने से पहले जिसे मिलाया था कहां गया वो मेरा मेहरबान नहीं मिलता, ओ तूने मेरा यार न मिलाया, मैं क्या जानू तेरी ये खुदाई, ओ तूने मेरा यार, तूने मेरा यार, तूने मेरा यार न मिलाया, मैं क्या जानू तेरी खुदाई। अगर तू चाहे तो पत्थर के दिल को प्यार मिले, फिजा तो रंग तो वीराने को बहार मिले, ये क्या सितम है कि मैं ही न पा सकूं उसको, कि जिसके मिलने से दिल को मेरे करार मिले, वो तूने मेरा यार न मिलाया, मैं क्या जानू तेरी ये खुदाई, ओ तूने मेरा यार, तूने मेरा यार, तूने मेरा यार न मिलाया, मैं क्या जानू तेरी ये खुदाई। पहाड़ गम का मेरे दस्ते नातवा से उठा, मगर ये दूरी का पर्दा न दरमियां से उठा, उठा ये दूरी का पर्दा जो तुझसे मुमकिन हो, नहीं तो आके मुझी को फिर इस जहां से उठा, हिजाब में आग लगी।
पर्दा जला क्यों आग लगी, पर्दे में लगी दिल तक पहुंची अब बुझती नहीं जहांगीर का। कल सरकार अब्दुलउद्दौला बहादुर दक्कन की लड़ाई जीतकर अकबराबाद पहुंच रहे हैं, इसलिए
तमाम रियाया को हुक्म दिया जाता है कि सरकार अफसरुद्दौला बहादुर की पेशवाई का इंतजाम करें। सलामत रहो। इस नजर का इनाम क्या मांगती हो? आज हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। हमारा जी चाहता है कि आज हमसे कुछ नहीं मांगो। अगर हुजूर अब्बा का यही हुक्म है तो मेरी बस एक ख्वाहिश है। मेरे कुतुबखाने की इमारत तैयार हो रही है। हुजूर उस कुतुबखाने के लिए 10,000 की किताबें मनुखर मांगी भी तो किताबें। अच्छा, हम 10,000 की नहीं 30,000 की किताबें तुम्हारे कुतुबखाने को देंगे। तुम्हें कोई तकलीफ है? मुझे और तकलीफ? हुजूर क्या फरमाते हैं? सर, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं तो हुजूर अब्बा, मेरा चेहरा कहाँ उतरा हुआ है? औलाद के चेहरे का उतार चढ़ाव माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं देख सकता। हमने तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। माँ बाप की मोहब्बत औलाद को हमेशा गमगीन और उदास देखती है, वरना मैं तो बहुत खुश हूँ हुजूर अब्बा। इस दफा आपको लड़ाई पर जिंदगी तो बहुत हो गए हुजूर। खुदा न करे बेटा, तुम किसी के आगे हाथ फैलाओ। मगर ये तो सोचो बेटा, हम अपना घर बार छोड़कर इतनी दूर किस लिए आए हैं? ठीक है अम्मी, लेकिन इतने बड़े रईस के दरबार में बगैर किसी जरिए जाना कैसे मुमकिन है? जरिया तो खुदा ने पहले ही पैदा कर दिया है। साहबजादी इतनी मेहरबान, आरिफ साहब इतने कदरदार। क्या कहने हैं खानम, क्या कहने हैं? अगर हमारे आगा जान भी इतने बड़े सिपे सालार बन जाएं, जैसे कि वो दौला बहादुर, तो मजा आ जाए। इसी तरह लड़ाइयां फतह करके मेरे आगा जान आया करें, इसी शान से इनकी पेशवाई हुआ करे। दानी का शुक्रिया किस तरह अदा करूं? लेकिन क्या, लेकिन आप बुरा ना माने, शायरी मेरा शौक है। मैं अपने शौक को बेचना नहीं चाहता। गुर्रेस होकर कोई फरोशी करना मुझे पसंद नहीं। फिर दुनिया किस तरह से मुलाजिमत कर सकते हो? मैं एक सिपाही और मेरी आरजू है कि तलवार से अपनी रोजी कमाओ। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। तुम्हें तो वो जौहर है जिसकी कदरदारी इस सरकार से ज्यादा कहीं नहीं हो सकती। चलो, मैं इसी वक्त तुम्हें सरदार आली की खिदमत में लिए चलता हूँ। चलो नारादेव, सिपा सालार दकन के नाम हुक्मनामा तहरीर करो कि काले खां का रसाला बहरानपुर से अहमद नगर भेज दिया जाए। आइए आरिफ साहब, सरदार आली ये वही शायर है जिसने सिलबदी मुशायरे में साहबजादी आलम के कलाम का जवाब दिया। अच्छा, यही है गुल मिर्जा, हमने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है। उरूज पढ़ो उरूज और कमाल पढ़ो कमाल, इलाही कायम और दायम रहे ये जाहो जलाल। जिस तरह ये एक नाजुक काल शायर है, उसी तरह ये एक बहादुर सिपाही। सिपाही? एक तहजीब याफ्ता शायर को तलवार से क्या वास्ता? आलीजा, अगर तहजीब ना हो तो एक बहादुर सिपाही और जंगली भेड़िए में कोई फर्क नहीं। तलवार चलाने के लिए साहबजादे, तहजीब से तलवार नहीं चलती। तलवार के लिए जोरे बाजू की उस वक्त जरूरत होती है जब तक तलवार बाजू को और बाजू तलवार को नहीं पहचानते। लेकिन इन हदों से आगे बढ़कर जब एक सिपाही पूरा सिपाही बन जाता है तो तलवार एक मौसीकी का तरन्नुम
और एक गजब का शेर बन जाती है। तलवार का कब्जा उसके हाथ में एक हसीना की नाजुक कलाई की तरह रहता है। तलवार की चाल उसे एक मासूम की नजर का इशारा मालूम होता है। जानते हो पहले सिपागिरी किसे कहते? हमने अपनी तलवार से लोहे का सुतून इस तरह काटा था कि 20 गज के फासले पे जा गिरा। बहुत खूब, ये हुजूर के दौरे बाजू और तलवार के लोहे की तारीफ है। सिपागिरी का फन इससे बिल्कुल अलग है। तुम गुस्ताखी कर रहे हो। मैं मौसी का खास कार हूँ सरकार, लेकिन हुजूर तलवार चलाने वाले के हाथ की सफाई इसी में है कि सुतून आना तिरछा कई जगह से काट दिया जाए और कोई टुकड़ा अपनी जगह से नहीं ले। ये नामुमकिन है। अगर हुक्म हो तो गुलाम इस दावे को मुमकिन करके दिखा सकता है। अगर न कर सके तो ये सर बेहतर है। कल सुबह तुम्हारा इम्तिहान होगा। अगर कामयाब हो गए तो कल ही 5,000 सवारों के अफसर बना दिया जाओगे। नाकामी की सूरत में दुनिया कायर से खाली हो जाएगी। गुलाम को सख्त मंजूर। गुलमिर्जा फिर सोच लो। ले बेटा, भला ये कहीं हो सकता है कोई चीज कटे और अपनी जगह से नहीं ले। लेकिन जरा देखो तो कैसे इस मैदान से खड़े हैं, कैसे लोहे का सुतून काटना बच्चों का खेल। खुदा ना करे अगर कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया तो सरकार दुश्मनों के गर्दन उड़वा देंगे। खुदा ना करे। तौबा तौबा, घबराहट से मेरे मुंह से क्या निकल गया। अल्लाह उन्हें कामयाब दे। इजाजत है? इजाजत है, लेकिन फिर सुन लो, इस सुतून को 3 जगह से इस तरह काटना है कि कोई हिस्सा अपनी जगह से न गिरे। अगर तुम कामयाब हुए तो 5,000 सवारों के अफसर बना दिए जाओगे। इन नाकामी की कीमत तुम्हें अपने सर पे अदा करना पड़ेगी। मुझे अपनी शर्त याद है सरकार। तो फिर आगे बढ़ो और अपना दावा पूरा करके दिखाओ। जगह से कट गया है हुजूर। गलत, बिल्कुल गलत। मैं कह रहा हूं कि ये सुन कट गया है। सबूत समझते थे कि दुनिया का बड़े से बड़ा तेजदन तलवार चलाने में हमारी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन तुमने हमें अपना ख्याल बदलने पर मजबूर कर दिया। मैं तो हुजूर का एक अदना खादिम हूं, आकर गुलाम का मुकाबला नहीं होता। हमें फखर है। अरे तुम्हारा खानम, कर गया सुतून, कर गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, फुल निर्दा जिंदाबाद। शुक्र है मेरे मालिक, तेरे करीने के सबसे। कहाँ मेरा गुलामा? आपके कदमों में अम्मी, मेरे जान। अम्मी, खुदा तुझे नजरे बस से बचाए। ये बाजू रहती दुनिया तक कायम रहे, बाप का नाम रोशन कर दिया मेरे लाल। ये सब आपकी दुआओं का असर है अम्मी। खुदा ने इम्तिहान में कामयाब किया कि मैं इज्जत को कायम भी रख सकूं। परवरदिगारा, मेरे गुल को खिजा से बचा कर सदा बहार कर दे। इस एक दम को 1,000 दम अता कर दे। शहजादी आलम, आपकी पसंद का नगीना आपको मिल गया। इस कमीज की तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाइए। रेहाना,
तो मेरे सामने उसका जिक्र न किया कर। हंसी हंसी में बात कहां से कहां पहुंच गई। सिंगारी आग और आग शोला बन चुकी है। अब तो मुझे खुद अपने से डर लगता है। डरने की क्या बात है सरकार, आपको तो अपने पसंद का नाच होना चाहिए। सूरत में बेमिसाल, शायरी में लाजवाब, सिफाकारी में बेनजीर, इतनी खूबियां एक इंसान में कहां मिल सकती हैं। मैं समझती हूँ कि खुदा ने उन्हें आप ही के लिए बनाया है। रेहाना, ये तो क्यों भूलती है कि मैं एक अमीर दादी हूँ। मेरी पसंद कोई मायने नहीं रखती। मैं रस्म रिवाज के गुलाम हूँ। मखमल के फर्श से हदे मेरा कैद खाना है। संगे मरमर की इन छतों के नीचे मैं दफन हूँ। अफसोस, गरीबी का रोना रोने वाले अमीरी के जहन्नम की मुसीबत नहीं जानते। सरकार, आज वो 5,000 सवारों के अफसर हुए हैं। खुदा ने चाहा तो कल सारे फौज के सिपा सालार होंगे। काबिलियत और पैदाइशी जौहर मिलना मुश्किल होता है। हैसियत का सब मिटते देर नहीं लगती। नहीं रिहाना, वो जितना मेरे करीब आ रहे हैं मेरे दिल की धड़कन उतनी ही बढ़ रही है। जो मैं देख रही हूँ वो तू नहीं देखती रिहाना। कुछ होने वाला है, एक खतरनाक जलजला आ रहा है जिसकी आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही है। मोहब्बत की निगाह भी अजीब होती है, जिसे कभी शोला फूल और कभी फूल शोला नजर आता है। साहबजादी बहन दिल से निकाल दीजिए, जलजला नहीं धूमधाम से बहार आ रही है। एक मुबारकबाद आज कबूल फरमाइए, दूसरी मुबारकबाद उस वक्त पेश करूंगी जब आप चेहरा बन गए इस जगह। रिहाना, बहुत अच्छा कमीज रुख्सत होती है। तेरे ख्याल को दिल से भुला नहीं सकते। तो परवाना शमा के लिए बेकरार है और शमा परवाने के लिए तड़प रही है। समझ में नहीं आता क्या किया जाए। तो कहा साहब दादियों का कुछ। हाँ सच है, आग बराबर लगी हुई। हाँ देखिए, ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा हुआ तेरा सर, जब देखो तब बच्चों को नहीं करती है। ना ना मेरी तो बात। अच्छा भैया एक काम कर। क्या काम? तो उन्हें बाग में एक बार फिर ले आ। नहीं 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 रहना जी, एक दफा बहुत हुई गवा, अब यह नहीं हुई सकता थी। जब देखो तब नाए 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 नाए, तेरे फूटे मुँह से कभी हाँ हाँ भी निकलती है। इधर आ सुन, कमरे कसम। अरे हाँ कमरे कसम। झूठी है रेहाना, मैं ये टोने टोट के नहीं मानती। मानिए या ना मानिए लेकिन सच बात तो सच ही रहेगी। ओहो, मैंने 3 दिन तक जोगी बाबा के पांव दबाए हैं, जब जाकर 2 फलीते दिए हैं उन्होंने। एक फलीता तो मैं काम में ला चुकी थी, एक और रह गया है वो आपकी नजर है। लेकिन होता क्या है? ठीक आधी रात को ये फलीता जलाइए और जिसे आप चाहती हो का ध्यान कीजिए। बस जरा देर में उसकी रूह आकर मौजूद हो जाएगी। तो जी हाँ साहबजादी आलम, आप जो कुछ पूछेंगी रूह ठीक ठीक जवाब देगी। आप तो इतनी बड़ी शायरा हैं, शेर में बात कीजिए, शेर में जवाब मिलेगा। मेरी तो आजमाई की बात है, मैंने किसकी रूह को बुलाया था। साहबजादी अब आपसे क्या छुपाना। वो जो अस्तबल के दारोगा है ना, उनसे एक जमाने में मेरी याद अल्लाह हो गई थी। अच्छा, ये कब? बहुत दिन हुए। खैर एक दिन मेरे दिल में जरा शक आया और मैंने जोगी बाबा का फलीता जलाकर दारोगा साहब की रूह को बुला लिया। आप जानिए रूह तो झूठ बोलती नहीं, जो कुछ उनके दिल की बात थी रूह ने सच सच कह दी। क्या कहा रूह ने? साहबजादी इन निगोड़े मर्दों से खुदा बचाए, वो मुझे धोखा देना चाहते थे। क्या होता क्या, दूसरे दिन जब दारोगा साहब
सीने पर हाथ रखे, आंखों में आंसू भरे, मजनू की सूरत बनाए मेरे पास आए और कहने लगे, मेरी जान, मेरी रूह की मलेका रिहाना, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो जहर खा लूंगा, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो आप जानती हैं मैंने क्या किया? उतारी जूती और तातर 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 उनके सर पर बरसाना शुरू कर दी। 99 तक गिनती थी और फिर भूल जाती थी। जरा देर में सारा इश्क उड़नछू हो गया, भागे तुम दबा के। अब जब कभी मिलते हैं तो मैं खुद ही चेरती हूँ, मगर मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। अच्छा, चल आज देखती हूँ तेरी करामा, और अगर कुछ न हुआ था तो मेरी गर्दन उड़वा दीजिएगा। मैं आज बाग में सब इंतजाम करती हूँ, आप ठीक आधी रात को बिल्कुल अकेले आ जाइए। अब आप जिसे चाहती हैं उसे याद कीजिए, शेर व शायरी में बात कीजिएगा तो उसी तरह जवाब मिलेगा। Ah.
बातें हैं। शायद मुवक्किलों से गलती हो गई, वो इनको पकड़ ला। खामोश बचन, तू मेरी दुश्मन है, मेरी इज्जत की दुश्मन है। तू खादिम नहीं के शरीफों के घर लगेगी। कसूरवार ये खादिम है, उस गरीब पर क्यों खफा होती है? तुम्हारी ये हिम्मत से तुम उस तरह यहाँ चले? दिल की बेकरारी ने मजबूर कर दिया। चले जाओ यहाँ, परवाना शमा से दूर नहीं रह सकता। भेड़िया, पहरेदारों को बुला जाकर। मैं कहती हूँ पहरेदारों को बुला। रुक तुम कहीं, बुलाई पहरेदारों को, इस बेअदब दिल को सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे याद फरमाया। हाँ बैठ जाओ। कल रात के वाकये का राज कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे मालूम। मैं जानता हूं कि सबे मां के जिस्म में दीवार भांग कराने वाला चोर कौन है, और उसके बाद जो बदतमीजियां हुई हैं उनका हाल भी मुझे मालूम है। तुम्हें समझ लिया था कि बेवकूफ बुढ़ा जो दिन भर किताबें चाटता रहता है जवानी के आप निचोलियों को क्या समझ सकता है? साहबजादे, मैं हवा को सूंघ कर बता सकता हूँ कि वो किस जिस्म से बस होकर आ रही है। मैं किताबों का खच्चर नहीं हूँ, मैंने किताबों का जौहर हासिल किया है। पहले ही दिन तुम्हें मुशायरे में देखकर मैंने बादल का रंग पहचान लिया था, फिर भी तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की। इस सरकार में तुम्हें मुलाजिमत दिलवाई, जानते हो क्यों? इसलिए कि साहबजादी के लिए मुझे उन्हीं के ऐसे काबिल, सही, अजीब और शरीफ लड़के की तलाश थी। तुम मेरे सामने आए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैंने चाहा कि जल्द से जल्द तुम्हें तरक्की के उरूस में पहुंचाकर साहबजादी का लायक बना दूं, और मैं इसी कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम अखलाक से इतने गिर जाओगे कि आज ही रात को साहबजादी के बाग में जाने की जरूरत करोगे। तुम बच्चों की तरह रोते क्या हो? दिल की मुराद आंसुओं से नहीं मिलती। मान का तारा तोड़ने का ख्वाब देख रहे हो, और अभी तक तुम्हारे कदम जमीन से 41 के बीच है। पहले काबिल बनो कि मेरा मुंह तुम्हारी सिफारिश में खुश। अगर कुछ लेना है तो जाओ, पहले कुछ करके दिखाओ। मैं आपकी बुजुर्गाना नसीहत के लिए दिल से शुक्रगुजार हूं, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तुम्हारी रात की गुस्ताखी हद से बढ़ गई। सिर्फ अपनी इज्जत के ख्याल से हम उसे नजरअंदाज करते हैं, और साथ ही हुक्म देते हैं कि आइंदा तुम्हारा साया भी हरमसरा के करीब नजर ना आए, वरना बदतरीन सजा दी जाए। सारे वाला जाने हजूर को याद फरमाया और हुक्म दिया है कि फौरन हाजिर हो। गुल मिर्जा, समझ में नहीं आता किस पर भरोसा किया जाए। हमारी इज्जत खाक में मिला, जानते हो कंधार पर हमला हो गया है। शहनशाह ने इस मुहिम का इंतजाम भी हमारे सुपुर्द फरमाया। नाजिम लाहौर के पास बिल्कुल फौज नहीं है, फौज के पहुंचने तक कम से कम 15 दिन लगेंगे, और 15 दिन में दुश्मन सारे कंधार पर कब्जा कर लेंगे। क्या हुक्म होता है? क्या हुक्म दिया जाए, सिवाय इसके कोई सूरत दिखाई नहीं देती कि कम से कम 1000 चाबाज सिपाहियों का दस्ता फौज से पहले रवाना हो जाए, और रात दिन रास्ता तय करके 3 दिन में कंधार पहुंच जाए, और फौज के पहुंचने तक दुश्मन को लड़ाई में उलझाए रखे। बहुत मुनासिब राय है हुजूर। राय तो मुनासिब है, लेकिन इन 1000 सिपाहियों में से एक एक आदमी कट जाएगा, कोई जिंदा वापस नहीं आएगा। घर की जिंदगी सिपाही की मौत है, मैदान जंग की मौत,
जिंदगी। हमें यही तो अफसोस है कि आज सिपाही नहीं बेकारी रह गए। हमारी फौज के बड़े बड़े अहदेदार इस तजवीज को सुनकर सर झुकाए हुए चले गए। यानी किस इज्जत से हमें यह फरमान भेजा था, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हमारी इज्जत हाथ में मिल गई। ने शाही फरमान पर अपना खून निछावर कर दिया। कुल मिलता मेरे जीता जी, आपकी बेइज्जती नहीं हो सकती। मैं आज 1000 सवाल लेकर कंधार जा रहा हूँ। शाबाश कुल मिलता, तुमने हमारी इज्जत बचा ली। अगर इस लड़ाई पर खैरियत वापस आ गए तो जो चाहोगे वो मिलेगा। हमारे कौल की सनत, हमारी अंगूठी। वो मेरा सबसे ऊंचा तसव्वुर है। जो मांगोगे वो मिलेगा। जाओ सफर की तैयारी करो, कल सुबह फौजें भी रवाना कर दी जाएंगी। आपकी आंखों में आंसू। तो इतनी मुश्किल मुहिम पर जा रहा है बेटा, मैं अपने दिल को कैसे समझा। मौत से खेलना का बेहतरीन खेल है अम्मी। कसरत पानी लहरों में खोकर ही समंदर बनता है। बड़ा बनने के लिए बड़े खतरों का मुकाबला करना जरूरी है। जाओ मेरे लाल, तुम्हें अल्लाह के अफजो मानने की। खुदा हाफिज़ का ख्याल रखना। क्या है साहब? जारी का मैंने आज कुछ उसके लिए माफी मांगती हूँ। उससे मिले बगैर कंधार में गए। मुझे किसी से मिलने की फुर्सत नहीं। मेरे सामने सिर्फ कंधार का मैदान है। बस बस, बहुत गुस्सा ना दिखा। जाने खैर शानदार सी गए, मिले बिना ना जाइयो। जिंदिया मेरा हाथ छोड़ दे। ना छुड़वा, बनाए ना कसी। और लो, ये ले जाओ। ये क्या है? हाथ लावे वाला कबूतर है, वहाँ से अपनी फैसला भेज। मुझे कबूतर नहीं चाहिए। वो नहीं है ना, तुमने समझाया नहीं के लिए। बहुत समझावा रहे हैं नदी। Thank you.
बात है। तुम सब जा सकती हो। अब पता क्या बात है? वो बात ये है। हाँ हाँ पता पता। ये सब इस नमक हराम परवीन की वजह से हुआ। खुदा गारत करे इसे। किसी को पूछने से क्या फायदा? परवीन ने खुद कुछ नहीं कहा, उसे कहना पड़ा। सरकार सचिव नहीं लाए अभी तक। खुदा ना करे मेरा तो दिल धड़क रहा है। आप बेकार परेशान होती हैं आते से। वो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा जान ही तो ले लेंगे। मौत इस जिल्लत से कहीं अच्छी। बा अदब सरकारे वाला तशरीफ लाते हैं। शहजादी की तबीयत ठीक नहीं सरकार। नहीं हुजूर अब्बा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुजूर बहुत देर में तक थी। मैं तो कल रात से हुजूर का इंतजार कर रही। मामले पर गौर कर रहे थे। मेरी ख्वाहिशों से हालात पूछ के हुजूर ने मेरे लिए कोई सजा तजवीज फरमाई। हमने ये फैसला किया है कि तुम बेकसूर हो। इस गलत और बदचलन आदमी को हमने नौकरी दी, कसूर हमारा है। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि वो बदचलन है। अब इन बातों की जरूरत नहीं। खुदा ने फजल किया, रास्ते का काटा खुद ही निकल गया। अब वो इस लड़ाई से बचकर नहीं आ सकता। खुदा ना कर। मैं ये गुस्ताखी है। मैं मजबूर हूँ हुजूर अब्बा। उसकी शायरी ने तुम पर जादू कर दिया है। तुम्हारी इस हालत से हमारी और हमारे खानदान की बदनामी होगी। हुक्म देते हैं तो उसे भूल जाओ। मैं तो खुद अपने को भूल जाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत आसान है अपने को भुलाना, किसी को भूलना आसान नहीं। मेहर, हमने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन तुम्हारी यह गुस्ताखी हमारे गुस्से को भड़का रही है। तो अपना गुस्सा भी उतार लीजिए। माफी पाया हुआ मुजरिम सजा से बच जाए, लेकिन मुजरिम तो बाहर हाल रहेगा। बेहतर है, हमारा यह फैसला है कि तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द कर दी जाए। हुजूर अब्बा, ये सजा बहुत सख्त है। हुजूर अब्बा, ये सजा बहुत सख्त है। बस वही होगा जो हमने कह दिया। मैं ये पूछने आया हूँ कि सरकार में मेरी क्या हैसियत है। मैं खादिम हूँ, चौकदार हूँ, दरबार हूँ, खिदमतगार हूँ, क्या हूँ? आपको ये सवाल करने की जरूरत क्यों हुई? इसलिए कि 5 वर्ष की उम्र से साहबजादी की परवरिश मैंने की, उन्हें तालीम और तरबियत मैंने दी, उन्हें इल्म हुनर के जेवर से आरास्ता मैंने किया। लेकिन आज उनकी शादी के फैसले में मेरी राय की कोई जरूरत नहीं समझी गई। तो आप इस बात पर खफा हो गए हैं? इस बात पर खफा होने का मुझे हक है। बेशक आपके हक से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसा नागवार वाकया पेश आ गया जिससे शादी का फैसला फौरन करना पड़ा। रूस जिस वाकये की तरफ इशारा फरमा रहे हैं वो साहबजादी की पाकिस्तान शख्सियत पर इस्तोमत है। लाइए वो खत और साहबजादी पर इल्जाम साबित कीजिए। आपको खत का हाल कैसे मालूम हुआ? मुझे ये भी मालूम है कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूँ साहबजादी के रिश्ते के लिए आपने कौन सा लड़का तजवीज फरमाया है? किसी बराबर के अमीरजादे पर नजर डाली जाएगी। इन अहमद और जाहिर अमीरजादों में साहबजादी का शौहर बनना तो बहुत दूर, साहबजादी की जूतियां सीधी करने की काबिलियत नहीं। हिंदुस्तान के बेहतरीन शायरा और ये बदमाश अमीरजादे, लाहौर वाला कुव्वत, जब तक मैं जिंदा हूँ ये नाइंसाफी कभी नहीं हो सकती। आरिफ साहब, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे शायद इससे भी आगे बढ़ना पड़े। इस फकीर को ना आपकी दौलत का लालच है, ना आपके महल के ऐसा आराम की तमन्ना है। शहन का जहांगीर के दरबार में मेरे लिए मनसब मौजूद था, लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ एक ही कशिश रोके हुए थी और वो थी साहबजादी की खुदादाद जहानत। खुदा का शुक्र है कि मैंने उन्हें हर इल्म फन से आरास्ता करके इस जमाने एक बेहतरीन शायरा बना दिया और मुल्क के लिए एक नामवर हस्ती साबित की। हम आपसे बहुत खुश हैं। आप जो चाहें इसका सिला मांग सकते हैं। Thank you.
अभी तक फौज नहीं आई। हजार जवानों में से 10-15 आदमी मुश्किल से रह गए। अरे भाई, इस सालदार गुल मिर्जा की लाश का भी कुछ पता चला? आज के शपून में उन्हें जख्मी होते तो देखा था। लाश दुश्मन की फौज में गिरी हुई। खुदा बख्शे, बड़ा बहादुर सरदार था। अगर सुबह होने तक भी हमारी फौज आ जाए तो दुश्मन का टूटा हुआ लश्कर मैदान छोड़कर भाग जाए। खुदा करे ऐसा, मगर इस फतह का सहरा गुल मिर्जा मरहूम के सर होगा। मेरे महबूब के नामा पर कबूतर मेरे हाथों में लिखने को ताकत नहीं। मेरी हालत देखता जा, लेकिन तू तो भगवान है, जो कुछ देखता है वो कहेगा कैसे। परवरदिगारा, परवरदिगारा।
खबर ने भी बड़ा एहसान किया। आपके मुंह से मोहब्बत का इकरार, मेरी जिंदगी का मकसद हासिल हो गया। जीने में खुशी है और मरने में मजा है। हाय अल्लाह, क्या हुआ साहबजादी आलू? है मैंने तो उनसे सब कुछ कह डाला, अब क्या होगा? मैं बता दूं क्या होगा?
क्या होगा? फलक से बाग जन्नत के गुलों का आएगा सेहरा, किसी के चांद से मुखले से बांधा जाएगा सेहरा। ये शहर और माँ क्या चाल चली है मैंने? अगर दूर तुम इस वक्त होते तो मेरा हाथ चूम लेते। ये बात है। ये लो। अरे वाह, अरे वाह, हाथ वाह, क्या कहने हैं। और माँ खिदमात के सिले में हम तुम्हें दखन का सिपह सालार बना देंगे, लेकिन देखिए क्या सरकार, क्या गुलाम से कोई कसूर हो गया? नहीं जी, गुल मिर्जा जो जिंदा वापस लौट आया है, अब तो ये ओहदा उसे ही देना पड़ेगा। अगर सरकार हुक्म दे तो गुल मिर्जा की जिंदगी इसी वक्त मौत से बदल सकती है। तो अरे वाला जा, सालदार गुल मिर्जा साहब हाजिर होते हैं। खुश आमदीद गुल मिर्जा, खुश आमदीद। तुम्हें जिंदा और सलामत देखकर हमें कितनी खुशी होती है गुलमिर्जा। लेकिन बेहोशी की हालत में काका खेल कबायली मुझे उठा के ले गए और मेरी जान बचाई। काका खेल एक बागी कबीला है। क्यों बायजीद खान? यहाँ पर आओ, बगावत बादशाह से होती आलीजा, इंसान इंसान से बागी नहीं होता। जो बादशाह से बागी हो वो हमारा दुश्मन है। लेकिन मैं उन लोगों का एहसानमंद हूँ। तो तुम भी बागी हो। मैं ऐसे बहुधा इल्जाम का जवाब तलवार से देता हूँ। मैं तलवार का नाम लेने वाली जुबान काट देता हूँ। बायजीद खान, तुमने हमारे वफादार सिपाही पर तोहमत लगाई है, हमारे सामने आइंदा के ना। माफी चाहूँ आलीजा। तुम जा सकते हो, हम तुम्हें अपनी दामादी में कबूल करते हैं। साहबजादी की शादी तुम्हारे साथ होगी। आलीजा उठो गुलमिर्जा, तुम्हें अपनी दामादी का काबिल बनाने के लिए तुम्हारा ओहदा भी बढ़ाया जाएगा। शादी की तैयारी के लिए वालदा को महल भिजवा दो। आलीजा, बाहर छाया पैगा में यार लाया, दिल को करार आया। चमी बाहर आई करके सिंगार आई, बाबू के हार लाई। आया खुशी का जमाना, उन पतले खेला तराना। हो तो
पे दिल की है बातें, आई मोहब्बत की रातें। झुकने लगी क्यों निगाहें, दिल से मिली दिल की राहें। उनका पयाम आया, दिल का सलाम आया, फोटो पीना ने खुदा किसका ये नाम आया। अबरे बाहर छाया, पहला मैं यार लाया, दिल को करार आया। उठेगी पलकों की चिलमन, बढ़ेगा उल्फत का दामन। दिलों के गुलशन खिलेंगे, मेरे मसीहा मिलेंगे। कमी है दर्दे जिगर में, हंसते हैं अरमान नजर में। उनका पयाम आया, दिल का सलाम आया, होंठों पे नामे खुदा किसका ये नाम आया। अबरे बाहर छाया, पैगाम में यार लाया, दिल को करार आया। कामयाबी के चलन में तू खुद ही आज फूंक गया। तुम्हारी कामयाबी तो काजा मेरे दिल में नहीं, अफसरुद्दौला के दिल में खटक रहा था। अफसरुद्दौला क्यों? जी मैं नहीं जानता, लेकिन वो तुम्हारे दुश्मन है। तुम जल्दी यहां से कहीं पास का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहंशाह जहांगीर का, सरकार अफसरुद्दौला बहादुर की फौज का रिसालदार गुल मिर्जा बागी हो गया है और फौज के बहुत से अफसरों को कत्ल करके भाग गया है। जो शख्स गुल मिर्जा को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करेगा उसे 1000 अशरफी इनाम दी जाएगी।
बयान मैंने खुद सुना है साहबजादी आलम। शहंशाह ने गुलमिर्जा के कत्ल का हुक्म दे दिया है। कत्ल? वो क्यों? कहते हैं वो कबायलियों के साथ मिलकर बागी हो गए। ये क्यों? उन बाजिद खां और 12 फौजियों का मार डाले हैं। इसका कुछ सबक होगा। उन्होंने किस प्रकार का हमला किया ये भी गलत है। बिल्कुल सच है। अगर वो मिल गया तो फर्क से उड़ा दिए जाएंगे उससे। हुजूर अब्बा गुस्ताखी मत। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। हमारे महल में अगर किसी ने उसका नाम लिया तो जबान खेच ली जाएगी। तो पहले मेरी जबान कौन हो तुम? मैं हूँ गुल मिर्जा की बदनसीब माँ। आप मुझसे मेरी जिंदगी का सहारा छीन रहे हैं सरकार। हमारी जिंदगी का सहारा खूनी और दागी बन चुका है। मेरा बच्चा सरकार का कितना खैर खा है ये मैं जानती हूँ माते हैं। वो जिस इरादे से कंधार गया था हमें अच्छी तरह मालूम है। मैं बार बार हुजूर को जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सकती। हुजूर खुद साहेब औलाद है। औलाद के लिए माँ के दिल की तरह हुजूर अच्छी तरह समझ सकते हैं। ऊपर खुदा है और नीचे आप। मैं आपके सिवा और किससे प्रयास करूँ? तुम्हारे लिए यही बहुत है। तुम गुलमिर्जा की माँ हो फिर भी तुम्हें सजा नहीं दी जा रही। उसका जुर्म इतना सख्त है कि उसके सारे खानदान को सजा मिलनी चाहिए। गुलमिर्जा की सारी सजाएं हुजूर मुझे दे लें लेकिन उसे माफ कर दें। हुजूर उसकी जान बख्श दें। मैं फिलहाल अपने वतन चली जाऊंगी। मुझे तरक्की दौलत इज्जत कुछ नहीं चाहिए। मैं दामन फैलाकर हुजूर से रहम की दरख्वास्त करती हूँ। हम ये दरख्वास्त ना मंजूर करते हैं। हुजूर माँ की ममता को न ठुकराइए। बागी को बचाने के लिए माँ की ममता बीच में आएगी तो वो भी कुचल दी जाएगी। सरकार सरकार खुदावंदा तुमने कैसे पत्थर दिल बनाए हैं जिन पर दुखियारी माँ की फरियाद की नजर नहीं। मोहतरम खातून अपने बहस की बदसलों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये सारी मुसीबत मेरी वजह से आई है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। काश मैं अपनी जान को दर्द के लिए कुछ कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रब साहब। आदाब इकरामत सैयद आरिफ जी वो बिल्कुल अच्छे हैं। हम पूछता सैयद आरिफ दरअसल जी हाँ जाइए तशरीफ ले जाइए। ताल जो कुछ किया खुद को बचाने के लिए किया है। ये तो मैं जानता हूँ मगर शहंशाह के हुजूर में ये बात किस तरह साबित करोगे? बगैर सबूत से तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। अफसर उद्दौला ने शाह को तुमसे बिल्कुल बर्खास्ता कर दिया है। तो मैं उन्हें कह दूंगा कि अफसर उद्दौला मेरे दुश्मन हो गए हैं। क्यों? इसलिए कि तुम उनकी लड़की से मोहब्बत करते हो। लेकिन तुमने ये भी सोचा कि जवाब के बाद साहबजादी की कितनी बदनामी। नहीं नहीं मेरी हजार जाने उनके इस पर कुर्बान है। मैं साहबजादी की बदनामी नहीं चाहता। हर किस नहीं चाहता। तो फिर वक्त ने जो जख्म लगाए हैं उनका मरहम भी वक्त ही को ढूंढने दो। अभी कुछ दिन और तुम्हें रूपोश रहना पड़ेगा। अफसर उद्दौला आ गए जल्दी हासिल कर जाओ जल्दी। खुदा हाफिज़। ठीक है मैडम। ये आपके पास कौन आया था? गुलमिर्जा। गुलमिर्जा उसका ख्याल छोड़ दीजिए अब वो बहुत दूर पहुंच गया होगा। आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं साहबजादी का मौलिम हूँ शहर का कोतवाल नहीं। आपकी तफरी के लिए बेगुनाहों को गिरफ्तार करना मेरा काम नहीं। आप उस बागी और कातिल को बेगुनाह कहते हैं? शरीफ बागी और बहादुर कातिल मेरी नजर में उससे कहीं अच्छा है जो दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बेटी की शादी किसी के साथ तय करे और दर पर अपने होने वाले दावा के कत्ल की साजिश करे। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं आरिफ साहब। करीब आता है रोज महशर छिपेगा पुत्रों का खून क्यों कर जो चुप रहेगी जबान खंजर लहू पुकारेगा अस्सी का। आपकी बेबाकी बढ़ती जाती है आरिफ साहब। अगर आपने अपनी बुजुर्गी का ख्याल न रखा तो मुझे मजबूरन आपकी जुबान बंद करना पड़ेगी। मैं सच कहने में कभी नहीं डरता। फिरोज देखो कोई पीछा तो नहीं कर रहा। लाना चाहिए जिंदगी पर उस दिलों की तरह छिपता सकता हूं। रहना से कहा था साहबजादी से मिल के आओ। दिल की हसरत दिल ही
मैं इधर बेकरार हूँ, वो उधर इंतजार में। मरने से नहीं डरते जिन्हें
सबक मोहब्बत वाला सीखा, वो मरने से नहीं डरते जिन्हें सबक मोहब्बत वाला सीखा, वो मरने से नहीं डरते। जान गवा कर उल्फत में जान गवा कर उल्फत में मरते नहीं मरने वाले, याद रहेंगे दुनिया को हम जी से गुजरने वाले, वो मरने से नहीं डरते जिन्हें सबक मोहब्बत वाला सीखा, वो मरने से नहीं डरते जिन्हें सबक मोहब्बत वाला सीखा, वो मरने से नहीं डरते। दरगाह का कोना कोना छान मारो, कुल मिर्जा यहीं कहीं छुपा होगा। यहाँ लुबान दानी लिए कौन खड़ा था? क्या करता है यहाँ लुबान दानी लिए कौन खड़ा था? शुक्र है परवरदिगारा, तूने उन्हें बचा लिया। जाके दिल का पैगाम पहुंचा दे, उनको मेरा सलाम पहुंचा दे। अब इलाजे दर्द फुर्कत कीजिए, कुछ मुलाकातों की सूरत कीजिए। मोहब्बत की ये सौगातें हैं काफी, तस्वीर में मुलाकातें हैं काफी। हिजर का गम अब ना खेला जाएगा, आज तो बुलबुल चमन में आएगा। ये दिन है बहार के बुलबुल, पहरे गुल पर है खार के बुलबुल। मैं कांटों को तोड़कर फेंक दूंगा। आगाज किया दिल ने अंजाम खुदा जाने, कांटों में उलझने से डरते नहीं दीवाने। आगाज किया दिल ने अंजाम खुदा जाने, कांटों में उलझने से डरते नहीं दीवाने। बहुत तू बहुत तू, ये किसका शेर पढ़ रही थी? मेरा ही शेर तो नहीं। बड़े सिपाही आना तेवर का शेर कहा? ये किसकी तहरीर है? किसी को आने की इजाजत नहीं है। अब भी बहाना तराशने की कोई जगह रह गई है? तुमने हमारी और हमारे खानदान की इज्जत को खाक में मिला दिया। इतनी तालीम और तरबियत पाने के बाद भी तुमने पसंद किया तो किसे? हमारे ही दस्तरखान के टुकड़ों पर पले हुए एक दलील सिपाही को। तुमने कहा था कि हम तुम्हारा हाथ उसके हाथ में देकर अपने बराबर के अमीरों में दलील हो। मैं तुम्हारे साथ आओ। अभी तक हमने इस किस्से को दबाने के लिए जो कुछ किया वो हमारी सियासत थी, लेकिन अब मालूम हो गया कि बगैर शक्ति का काम नहीं चलेगा। खामोश बदतमीज, खामोश।
इसे बिस्तर से लिटा दो। अभी आधी रात और बाकी साहबजादी आलो, अब तो आराम फरमाइए। मेरा दिल धड़क रहा है रियाना, यही हुआ ना, उनका यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है। महल के चारों तरफ सख्त पहरा लगा हुआ है, परिंदा पर नहीं मार सकता, वो बड़े जिद्दी हैं। कहीं इस पहरे में चले तो बचकर निकलना मुश्किल होगा। जब जाते हैं हंस हंस कर परवाने मोहब्बत के। आप यहाँ से चले जाए, खुदा के लिए चले जाए। कहाँ चला जाऊँ, मेज़ और तलवारों से हर तरफ के रास्ते बंद हो चुके हैं। ये क्या हुआ रिहाना, जल्दी बाहर जाकर दे, खुला तो नहीं रहा। आप यहाँ आए किस तरह? सर से कफन बांध कर मरने के लिए तैयार होकर पहरा लगने से पहले ही बाग में आ गया था। ये क्या कर सकती है? आज जो जाति आप पर की गई है, मुझे उसका हाल मालूम हो चुका है। मैं आपसे जुल्म करने वाले की लाश रौंद कर मरूंगा, मैं आपसे उठने वाले हाथ को काट कर मरूंगा। तुम कुछ पागल तो नहीं हो गए? मेरे सामने मेरे बाप के साथ करने की बातें कर रहे हैं। वो बाप जो औलाद के खून कदा हो जाए, बाप नहीं कातिल है। मोहब्बत और माँ बाप के ख्यालों में हमेशा टक्कर होती, लेकिन शरीफ औलाद बाप की दुश्मन नहीं होती। तुम बेशक मेरे दिल के मालिक हो, लेकिन मेरे जिस्म का रोया रोया हुजूर अब्बा का। उन्होंने मुझे प्यार से परवरिश किया है, उन्होंने मुझ पर जुल्म करने का भी। लेकिन साहबजादी आलम, मैं ऐसी कोई बात सुनना नहीं चाहती जिससे मेरे वालिद की कसम हो। वो अच्छे हो या बुरे, लेकिन मेरे बाप हैं। कत्ल करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने वाले मेरी लाश पर पारक कर जाना होगा। साहबजादी आलम, मैं कसूरवार हूँ। मैंने गुस्से में आपके अखलाक और शराफत को भुला दिया था। आखिर एक जाहिल सिपाही हूं ना, मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्या करते हो बुलमिर्ज़ा? मैं फौजों में खिस चुका हूं, आज मेरी मौत यकीनी है। लड़कर मरूंगा तो मेरे हाथ से कितनी औरतें बेवा हो जाएंगी, कितनी माएं बे औलाद हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। खून देना खून बहाने से कहीं अच्छा है। मैं ये तलवार हम इंसानियत और शराफत के नाम पर तोड़कर फेंकता हूँ। ये क्या किया तुमने? दुश्मनों ने घिरे हुए हो, अब तलवार तोड़कर फेंक दी? तलवार जान देने के लिए, देने के तलवार की क्या जरूरत है? खुदा ना करे बुलने से तो मैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? शमा परवाने की कहानी अब खत्म है। आज परवाना शमा से गले मिलकर हमेशा के लिए सो जाएगा। तो फिर शमा से दिल मिलाकर और ये बस मेरी मोहब्बत पिता ही सलामत हो जाएगी। मोहब्बत करने वालों ने तारों की छांव में तो बहुत सी रातें गुजारी हैं, लेकिन हम तलवारों की छांव में ये रात गुजारेंगे। ये रात हमारी मुलाकात की आखिरी रात है।
जला जलाल की क्या सी तलवारें मुझे पुकार रही हैं? खुदा की रहमत से ना उम्मीद ना हो पुण्य से मुला मुमकिन को मुमकिन बना देता है। मैं तुम्हें कातिलों के तलवारों के पास किसी तरह न जाने दूंगी। मैं तुम्हें इस महल में छुपाऊंगी, इन हुजरों में छुपाऊंगी और जब सब कुछ बेकार हो जाएगा दिल के कोनों में छुपाऊंगी, पलकों के किरणों में छुपाऊंगी। लेकिन मैं बुजुर्गों की तरह छुपना नहीं चाहता। तो क्या तुम पागलों की तरह खुद की फिक्र की मुझे बदनाम करना चाहते? जब तुम यहाँ से निकल कर जाओगे तो पहले वाले क्या समझेंगे, लश्कर वाले क्या कहेंगे? मैं तो खैर तुमसे पहले ही इस दुनिया को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे बाद मेरे नाम के साथ रुसवाइयों के हाशिए लगाए जाएंगे, छोटे अफसाने गढ़े जाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि मर के मुझे कब्र में भी चैन ना मिले? मैं आपकी बदनामी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहती हूँ। लेकिन मेरी सास पड़ोसी की आरजू मेरी इज्जत बचाने के लिए भूल जा। कौन है? होशियार हो जाइए, और औरत छुप के सरकार की खौफगाह की तरफ गई है। कौन औरत गई मैं पहचान नहीं सकती, लेकिन खतरा है। मेरे अल्लाह अब क्या होगा? चलो भी मैं कहती हूँ, खुदा के लिए गुलमिर्ज़ा चलो, चलो भी। मतलब हुजूर वाला अच्छी तरह समझते और इस साहब हम आपकी हमेशा इज्जत करते रहे, आपकी वजह से हमारी इज्जत के दामन पर दाग लग रहा है। हुजूर की इज्जत पर आरिफ की जान कुर्बान है, लेकिन जिससे आप इज्जत फरमा रहे हैं वो हद से बड़ा हुआ गुरूर है। आरिफ साहब हमें ऐसा करने पर मजबूर न कीजिए जो हमने आज तक आपके साथ नहीं किया। मैं सब पर सच्चाई के लिए हर बर्ताव करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा कर लो इस बूढ़े को और कैद खाने में डाल दो। गुलमिर्ज़ा थोड़ी देर के लिए इसी देखने चुप जाओ, यहां तक किसी का ख्याल भी नहीं पहुंचेगा। नहीं शहजादी आलम मुझे मजबूर न कीजिए, एक सिपाही के डर की कितना मौत से बदतर है। देखने चुप चुके आज मेरे कहने से इनकार किया। वो और वक्त था, आज और वक्त था। इसको सबसे पहले हुस्न की जलवागाह तक पहुंचने की तमन्ना होती है, इसके लिए उसे हर रास्ते से गुजरना पड़ता। अब उसके लिए जिंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहा, सिर्फ कुर्बानी की मंजिल सामने है। आप इस आखिरी मंजिल तक पहुंचने से न रोकिए। आपको वहां ना पाकर जरूर इसी तरफ आएंगे। शहजादी आलम मुझे मजबूर न कीजिए। परवाने
सलामत रहो बेटी, सैर हो रही है। चमन की सैर के साथ साथ शायरी भी कर रही थी। सुबह जब आंख खुली तो क्षमा कर नजर जा पड़ी, परवाना जल चुका था, क्षमा रो रही थी। आखिर रोते रोते वो भी खत्म हो गई। कुछ अजीब तरह का असर दिल पर हुआ, किसी के मुतालिक शेर सोचती हुई इधर चली आई। गुस्ताख परवाने ने क्षमा के पाक दामन से निपटना चाहा, इस गुस्ताखी की उसे सजा मिली। क्षमा परवाने के जलने पे नहीं रोती, इस गैरत में रोती है कि परवाना उस तक पहुंचा के। ये बात असर लेने की नहीं, सबक लेने की है। इस देर में क्या है बेटी? जी, मेरे नहाने के लिए पानी गर्म होने को रखा है। फिर अभी तक पानी गर्म क्यों नहीं हुआ? तुम्हारी खवासे कहाँ है? इन नमक हरामों को तुम्हारे आराम का बिल्कुल ख्याल नहीं, तलमास नहीं। आग रोशन की जाए। Oh,